गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स फिजिकल एजुकेशन में आज हम चैप्टर नंबर टेन जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है स्टार्ट करेंगे इसका टाइटल है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स देखो ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो ट्रेनिंग स्पोर्ट्स की फील्ड में कोई नया वर्ड नहीं है ठीक है अगर ट्रेनिंग की हम डेफिनेशन देना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ट्रेनिंग इज द सिस्टमेटिकली प्लान प्रिपरेशन विद द हेल्प ऑफ वेरियस एक्सरसाइज ठीक है एक सिस्टमेटिकली प्लान एक प्रिपरेशन है ट्रेनिंग ठीक है हमारे कॉम्पिटिशन के लिए और किसके थ्रू करते हैं हम ये प्रिपरेशन विद द हेल्प ऑफ वेरियस एक्सरसाइजेस ओके और जो सिस्टमेटिक ट्रेनिंग है वो इम्प्रूव करती है हमारी फिटनेस को तो इस चैप्टर में देखो हमें जो बात करनी है ट्रेनिंग की वो तो हमें स्ट्रेंथ बढ़ाने वाली ट्रेनिंग या एक्सरसाइजेज देखनी है एंड्योरेंस को बढ़ाने वाली एक्सरसाइज देखनी है स्पीड को बढ़ाने वाली एक्सरसाइज देखनी है और फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करने वाली एक्सरसाइज तो ये चार हमारे फैक्टर्स हैं जिनको जिनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग और एक्सरसाइजेज हैं वो हमें पढ़नी है तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेंथ की ठीक है स्ट्रेंथ क्या है इसके टाइप्स क्या है और इसको हम किस तरह से अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं स्पोर्ट्स के फील्ड में उसके लिए पर्टिकुलर ट्रेनिंग और एक्सरसाइजेस देखेंगे तो सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस यानी कि मसल्स की एबिलिटी है ओवरकम करना किसको रेजिस्टेंस यानी लोड को जो लोड है मसल्स पर उसको कम करने की एबिलिटी स्ट्रेंथ कहलाती है अकॉर्डिंग टू द बैरो एंड मैगी स्ट्रेंथ इज द कैपेसिटी ऑफ होल बॉडी और ऑफ एनी ऑफ इट्स पार्ट्स टू एग्जर्ट फोर्स ठीक है पूरी बॉडी या बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट की अगर आप बात कर रहे हो तो वो कितना फोर्स एग्जर्ट करता है उसकी एबिलिटी स्ट्रेंथ कहलाती है ओके स्ट्रेंथ इज एन एसेंशियल एलिमेंट और कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस फिजिकल फिटनेस मेजर करनी है तो स्ट्रेंथ बहुत स्पेशल uh, कंपोनेंट माना जाता है टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे पहला टाइप है डायनामिक स्ट्रेंथ और दूसरा हमारा है uh, डायनामिक स्ट्रेंथ के बाद हमारा दूसरा टाइप हो जाता है स्टेटिक स्ट्रेंथ तो डायनेमिक स्ट्रेंथ में हम बात कर रहे हैं नेम इंडिकेट कर रहा है कि ये डायनामिक स्ट्रेंथ मूवमेंट से रिलेटेड है इसे आइसोटोनिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं जैसे कि आप पुल अप कर रहे हो या पुश अप कर रहे हो वहाँ पर आपको डायनेमिक स्ट्रेंथ देखने को मिलता है जहाँ भी मूवमेंट हो रहा है जिस एक्टिविटी में वहाँ डायनेमिक स्ट्रेंथ देखने को मिलता है ओके डायनामिक स्ट्रेंथ ऑल्सो डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट सबसे पहला है मैक्सिमम स्ट्रेंथ मैक्सिमम स्ट्रेंथ देखो क्या है इट इज़ यूजअली यूज इन दो स्पोर्ट्स वेयर वेरी हैवी रेजिस्टेंस आर to बी taken लाइक like weight well lifting शॉर्ट put हैमर throw discus throw javelin throw ठीक है मैक्सिमम स्ट्रेंथ नैम इंडिकेट कर रहा है कि जहाँ आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए तो वहाँ आप मैक्सिमम स्ट्रेंथ देखते हो स्ट्रेंथ का एक टाइप देखते हो ठीक है मैगजिम स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टू वर्क अगेंस्ट मैगजिम रेजिस्टेंस ऑब्वियसली जितना ज़्यादा लोड है जितना है उसके लिए जितना आपको ओवरकम करना है उस लोड को तो जितना आपकी ए, मसल जो है फोर्स लगेंगी वही उनका मैगजिमम स्ट्रेंथ होगा सेकेंड टाइप है देखो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ इज इज द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस विद हाई स्पीड अब आपको हाई स्पीड के साथ ओवरकम करना है रेजिस्टेंस को तो आप एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कहोगे थर्ड इज स्ट्रेंथ एंड्योरेंस इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस इट इज द एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस अंडर कंडीशन ऑफ फैटिंग ओके आप थकान की कंडीशन में भी आपकी मसल्स जो हैं वो रेजिस्ट कर रही हैं लोड को ओवरकम कर रही हैं तो वहाँ स्ट्रेंथ एंड्योरेंस देखा जाता है इट इज़ कॉमनली यूज इन लॉन्ग डिस्टेंस रेस स्विमिंग एंड रोड साइकिलिंग जहाँ आपको ज्यादा थकान हो जाती है वहाँ पर आप स्ट्रेंथ एंड्योरेंस मेजर करते हो ठीक है और सो वी कैन से दैट स्ट्रेंथ एंड्योरेंस इज यूजअली अप्लाइड इन मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स ओके सेकेंड टाइप है स्ट्रेंथ का स्टेटिक स्ट्रेंथ इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ स्टेटिक स्ट्रेंथ कैन बी मेजर्ड बाई डायनामोमीटर दिस टाइप ऑफ स्ट्रेंथ इज नोट सीन डायरेक्टली स्टेटिक स्ट्रेंथ इज नॉट यूजली अप्लाइड इन स्पोर्ट्स बट इन इट इज़ यूज इन वेट लिफ्टिंग की अगर हम बात करें तो उसकी जो बहुत सारी फेजेज हैं वहाँ पर हमें स्टेटिक स्ट्रेंथ देखने को मिलता है फिर हम बात करते हैं मेथड ऑफ इंप्रूविंग स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने वाले मेथड तो तीन तरह के मेथड हमें पढ़ने हैं आइसोमेट्रिक आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक सबसे पहले बात करते हैं आइसोमेट्रिक की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज आर नॉट विजिबल ओके ये वो एक्सरसाइजेज हैं जो विजिबल नहीं होती हैं अब देखेंगे हम कौन सी एक्सरसाइज इन दिस एक्सरसाइज वर्क इज परफॉर्म बट इट इज नॉट सीन डायरेक्टली वर्क किया जाता है बट हमें डायरेक्टली नहीं दिखता है जैसे इन जनरल वी कैन से द वर्क इज डन

आइसोट्रॉनिक एक्सरसाइज इसकी जस्ट अपोजिट है इन दिस एक्सरसाइज मूवमेंट कैन बी सीन डायरेक्टली वर्क इज डर्न इन दिस एक्सरसाइज ओके आइसोट्रॉनिक एक्सरसाइज टॉन अप द मसल्स ऑब्वियसली नाम ही इनका आइसोटोनिक है टॉन अप करती है मसल्स को फ्लेक्सिबिलिटी एंड लेंथ ऑफ द मसल्स कैन बी इंक्रीज बाय दिस एक्सरसाइज दिस आर द बेस्ट फॉर स्ट्रेंथ डेवलपमेंट रनिंग जम्पिंग ट्रेनिंग आदर टाइप ऑफ आइसोटॉनिक एक्सरसाइज ओके और दिस एक्सरसाइज कैन भी डन विद और विदाउट एनी इक्विपमेंट देखो आइसोमेट्रिक में तो आपको कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए था ठीक है जैसे कि आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वगैरह करते हो जबकि आइसोट्रॉनिक आप कर सकते हो इक्विपमेंट uh, के थ्रू विदाउट इक्विपमेंट भी उसके बाद थर्ड है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज दिस एक्सरसाइज आर परफॉर्म ऑन स्पेशली डिजाइन मशीन स्पेशली डिजाइन मशीन के थ्रू की जाती हैं इन आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल्स अप्लाइड मैक्सिमम फोर्स ओके इनमें आपकी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट करती हैं थ्रो आइड थ्रू आउट द कम्पलीट रेंज ऑफ मूवमेंट और अपनी जो भी उनकी रेंज है मूवमेंट की पर्टिकुलर मसल्स की उसके थ्रू वो फोर्स एक्सर्ट करती हैं ओके विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सरसाइज एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ एंडस कैन ऑल्सो भी इम्प्रूव ऑबियसली मसल का पूरा आप रेंज ले रहे हो कि जितना उसका मूवमेंट का रेंज है उसके थ्रू आप उसका वर्क देख रहे हो तो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ एंड दोनों यहाँ पर आप इंप्रूव कर सकते हो उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रेंथ हमारा कंप्लीट होता है स्ट्रेंथ की हमने डेफिनेशन देखी टाइप्स देखे किस तरह से आप इंप्रूव करते हो एक्सरसाइजेस देखी अब सेकंड फैक्टर है हमारा जिसके लिए हमें ट्रेनिंग्स देखनी है ओके okay? एंड्योरेंस क्या है देखो एंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू सस्टेन एन एक्टिविटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ठीक है आप किसी एक एक्टिविटी को आ, बहुत टाइम तक आप सस्टेन करके रख सकते हो आप उसी पर टिके हुए रहते हो तो आप उसको एंड्योरेंस बोलते हो कि यहाँ पर मुझ में एंड्योरेंस है ठीक है स्ट्रेंथ तो ताकत है उस एक्सरसाइज को शुरू किया आपने बट एंड्योरेंस क्या करेगा उस एक्सरसाइज को और आपके उस वर्कआउट को लंबे टाइम तक बना कर रखेगा एंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट फैटिक आपकी थकान को भी रोकता है एंड्यूरेंस फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ सिटअप एंड एंडिविजुअल कैन कम्प्लीट इन वन मिनट इज ऑफ एड टू मेजर द एंड स्टमक मसल्स ओके एक मिनट में एक एंडेंस कितने सॉरी uh, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कितने सिटप्स करता है तो उससे उसकी स्टमक uh, की जो मसल्स हैं उनकी एंड्योरेंस देखी जाती है अब टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस की बात करें अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्टिविटी जो भी आपकी एक्टिविटी की नेचर है उसके अकॉर्डिंग तीन टाइप की एंड्यरेंस है पहला है बेसिक एंड बेसिक एंड डिपेंड मेनली ऑन एरोबिक एंड्योरेंस व्हेन एनी मूवमेंट इज परफॉर्म एट अ स्लो पेस फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन सच जॉगिंग वॉकिंग और हेयर वी कैन फाइंड द बेसिक एंडोरेंस ठीक है जब आप कोई मूवमेंट कर रहे हो स्लो पेस धीरे धीरे और फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन लंबे टाइम के लिए तो वहाँ पर आप बेसिक एंड्यूरेंस देखते हो अपने उसके बाद है जनरल एंड्योरेंस दिस एनेबल स्पोर्ट्स पर्सन टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन विदाउट गेटिंग टायर्ड अब आप जनरल एंड्योरेंस में आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हो फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन बिना थके अगर आप कर रहे हो तो वहाँ जनरल एंड्योरेंस देखा जाएगा आपका फिर बात आती है स्पेसिफिक एंड्योरेंस की तो इट इज़ द एबिलिटी टू रेजिस्ट फैटिक कोज बाय ए स्पेसिफिक स्पोर्ट्स एक्टिविटी कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के में अगर आपको थकान हुई है तो उसे रेजिस्ट करने के लिए जो एंडेंस चाहिए वो स्पेसिफिक एंड्योरेंस है

शॉर्ट टर्म एंडस क्या है जब आपको कोई एक्टिविटी कर रहे हो फोटी फाइव सेकेंड से लेकर टू मिनट्स तक के लिए उसको आप सस्टेन करके रख रहे हो उस एक्टिविटी को इतने टाइम के लिए तो शॉर्ट टर्म एंडस देखा जाएगा आपका ठीक है फिर मिडल टर्म एंडस आपकी ड्यूरेशन बढ़ रही है टू मिनट्स से इलेवन मिनट्स हो गई है ठीक है टू टू इलेवन मिनट आप कोई एक्टिविटी सस्टेन करके रख रहे हो इतने टाइम के लिए आप बनाकर रख रहे हो उस एक्टिविटी को तो मिडल टर्म एंडस मेजर किया जाता है लास्ट टाइप है लॉन्ग टर्म एंडस देखो लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस जब आप इलेवन मिनट से ज़्यादा कोई एक्टिविटी को सस्टेन करके रख रहे हो किसी पर्टिकुलर तो आप वहाँ लॉन्ग टर्म एंडस मेजर करते हो अपने ठीक है जैसे कि मैराथन में वहाँ पर आप लॉन्ग टर्म एंडस देखते हो वहाँ पर आपको लॉन्ग रेस करनी होती है मैराथन में लंबे टाइम की नहीं एलेवन मिनट से ज़्यादा ही ओब्वियसली हमें रन करना होता है तो वहाँ हम लॉन्ग टर्म एंडस देखते हैं तो इस तरह से हम बात करते हैं पर्टिकुलर एंडस के टाइप्स की अब देखो एंडूरेंस को ओ, टन uh, अप करने के लिए जो पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज हैं उनकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आज हमने क्या पढ़ा है आज हमने स्ट्रेंथ के बारे में देखा उसको कैसे हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए इंक्रीज किया जाए तो उसके लिए हमने कुछ ट्रेनिंग्स देखी हैं एंड्यूरेंस का मीनिंग हमने देखा एंड्यूरेंस के टाइप्स हमने देखे अब एंड्यूरेंस के लिए जो ट्रेनिंग्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे तब तक, तक आप इन्हें पढ़ते रहो ओके okay? थैंक्स